तो अभी हम बताएंगे आर्म रेसलिंग में टॉप रोल खेलने का प्रॉपर स्टांस क्या होता है। काफ़ी क्वेश्चन आए थे इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो आपको हैंड पैक पकड़ना है और काफ़ी लोग जो है ऐसे करके खेलते हैं इसे, ठीक है, थोड़ा कमर को पीछे इतनी दूर रख के। तो सबसे पहले तो भाई आगे आ जाओ टेबल के, बैक सीधी कर लो, एक पैर थोड़ी सी आगे रख लो और हल्का सा ऐसे लीन बैक ऑलवेज, क्योंकि आप टॉप रोल खेल रहे हो तो बैक प्रेशर हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। ये वाली मसल हमेशा एक्टिव होनी चाहिए ऐसे, ठीक है, क्योंकि आपको टॉप रोल खेलना है, आपको बैक पुल करना है, ठीक है। और टॉप रोल खेलो चाहे हुक खेलो, आपको जितनी ज़्यादा ग्रिप मिले उतना अच्छा है। काफ़ी लोग छुड़वा के खेलते हैं थोड़ी पीछे करके, वो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। टॉप रोल खेलो चाहे हुक खेलो, जितनी आपको अच्छी ग्रिप मिले, फिंगर्स जितनी आप कवर कर पाओ, ग्रिप आपको अच्छी मिल पाए, ग्रिप लेके फिर आप पुल करो ऐसे, ठीक है। और आपको क्या करना है, रेडी गो पे कप एंड बैक रोल, ऐसे बैक ही लीन होना है। अगर सामने वाला हुक में भी घुमा लेता है तो फिर भी आप हल्का हल्का बैक प्रेशर अप्लाई करके रखो, बाइसेप की स्ट्रेंथ लगाते रहो, आगे लीन नहीं करना, वो हुक में आ जाएगा, ठीक है। और एक